हेलो दोस्त, रेलवे एग्ज़ाम न्यूज 2024 दो न्यूज अलग अलग है। एक जीडीसी के लिए जिसमें एलपी के लिए नोटिफिकेशन आया है, एसडब्ल्यूआर बंगलोर वाला एरिया का, हुबली कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लेवल वन के लिए तो बहुत दिक्कत हो रहा है, सेकंड डिवी भी नहीं आ रहा है और बहुत सारी प्रोसेस डिले हो रही है क्योंकि वहाँ सीट नहीं है। हो सकता है उनके लिए अब अच्छा हो जाए, कुछ लोग एलपी में हो जाए तो, लेकिन अभी इसमें टाइम लगता है। जीडीसी बहुत 2023 का भी अभी रुका हुआ है, बहुत सारी इशू है। किसी किसी आरआरसी का जीडीसी के एग्ज़ाम लेने के लिए उन्हीं जोन को बोल दिया गया है कि अब सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नहीं होगा, आप अपने आप निकाल लीजिए। मुंबई, सिकंदराबाद और कई सारा का टेंडर भी निकल गया है, लेकिन बहुत सारे जोन अभी भी पीछे हैं। दूसरा न्यूज लेवल वन के लिए जिसमें रेलवे बोर्ड का एक इंस्ट्रक्शन या दिशा निर्देश है जोन का कि लेवल वन का 10% कोटा जो था ट्रैक मेंटेनर को दूसरे डिपार्टमेंट में लेने का, वो क्यों नहीं लिया जा रहा है। यानी जो ऑलरेडी जॉब में है उनकी बात हो रही है, ना कि न्यू वैकेंसी से गए और ट्रैक मेंटेनर अलॉट हो गया तो उनको लेना है। फ्यूचर में उनको दूसरे डिपार्टमेंट में 10% कोटा की बात की गई है, उसकी डिस्कस इस वीडियो में दो पॉइंट पे मोटा मोटी करेंगे। तो पहले लेवल वन वाला ही देख लेते हैं। लेवल वन में कल ही 7/5 को नोटिस आ गया है, आज 8/5 है, 7/5/2024 को, जिसमें बोला गया है कि आपको फिर एक बार याद दिलाया जाता है कि जो लेवल, एक मिनट थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। तो ये आपको ये बताया गया है कि आपको लेवल वन में 10% कोटा था जो ट्रैक मेंटेनर को अदर डिपार्टमेंट में एडजस्ट करना था, वैकेंसी में लेटरल इंडक्टेड ऑफ ट्रैक मेंटेनर के थ्रू, उनको क्यों नहीं आपको लागू किया जा रहा है। जैसा कि कुछ स्टाफ साइड से नोटिस किया गया है, उन्होंने बताया है कि जो आरबी नंबर 138/2023 था जिसमें 10% लोगों को अदर डिपार्टमेंट में दिया गया है, वो फॉलो नहीं किया गया है। जिसको फॉलो किया जाए, कुछ कुछ जोन कर भी रहे होंगे, कुछ नहीं भी कर रहे होंगे। इनसे होता क्या है, इशू क्या है कि ट्रैक मेंटेनर में लोग कहते हैं हार्ड ड्यूटी है और इनकी प्रमोशन बहुत कम है। इस प्रमोशन को अलग करने के लिए इनको ऑपरेशन डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में इनको 10% अलग से प्रमोशन की व्यवस्था करने के लिए ये रेलवे का इंस्ट्रक्शन था, उसको फॉलो करने की बात की रही है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग कहते हैं हार्ड ड्यूटी है और प्रमोशन नहीं है, वो एलिमिनेट होकर दूसरे डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट की प्रमोशन और उस डिपार्टमेंट की जो रूल है उसको फॉलो करते हुए उनके लिए इजी हो जाता है। ये अच्छा न्यूज है इनके लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट तो न्यूज तो पहले ही था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का इशू आ रहा है। दूसरा, साउथ सेंट्रल रेलवे का जो नोटिस है जिसके लिए बंगलोर रूट डिवीजन में जीडीसी के द्वारा एलपी भरने की पोस्ट निकल गई है, असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 पोस्ट के लिए। लेकिन ये अगर वेबसाइट पे देखने जाएंगे तो वेबसाइट पे डिटेल अभी नहीं मिलेगा, हो सकता है कोई एम्प्लाई क्या वहाँ डिटेल में मिला हो। वेबसाइट पे हम नोटिफिकेशन में अभी देख रहे हैं तो यहाँ पे अभी हमें नहीं दिख रहा है, ना ही होम पेज पे दिख रहा है। हो सकता है आज तक वीडियो बना रहा हूँ, आज शायद आपको मिल जाए, क्योंकि कल ही का यह नोटिस है और अभी वेबसाइट पे आने में एक आध दिन टाइम लगेगा। हालांकि ये डेट ऑफ टाइम ऑफ क्लोजिंग भी बहुत जल्दी है, 7/5 से 8/5 है, यानी 21 दिन नोटिफिकेशन का टाइम है। तो थोड़ा ध्यान देखिएगा, इसमें प्रमोशन कोटा के अंदर जो लेवल 1 या लेवल 2 के ही कैंडिडेट हैं, लेकिन नॉन सेफ्टी से सेफ्टी में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए पोस्ट के जाना चाहते हैं और जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 फॉलो कर सकते हैं, वो जा सकते हैं इनके जीडीसी कोटा के अनुसार एलपी में। और पोस्ट की संख्या देखेंगे तो एक डिवीजन में 195 EUR के लिए, हालांकि यहाँ पे देखिए OBC के कोई कोटा नहीं होता, EWS का कोई कोटा नहीं होता, आपको जहाँ पे जीडीसी की बात होती है। कई जगह देखा होगा आपने कि OBC और EWS का रहता है, पता नहीं वो कैसे रहता है, लेकिन साउथ में नहीं रहता है जनरली जो रूल फॉलो करते हैं। उसके बाद SC के लिए 55 और ST के लिए आपका 28 सीटें हैं, टोटल 278 सीटें के लिए निकला है। कौन कौन भर सकते हैं, तो ITI वाले इन सारे ट्रेड का जो है वो भर सकते हैं, जिनके पास डिप्लोमा है वो भी भर सकते हैं, या NSC रेलवे से अप्रेंटिस है वो भी भर सकते हैं, और डिग्री भी होगा तो वो भी भर सकते हैं, जिनके पास अगर डिप्लोमा के आधार पर डिग्री है वो। एज लिमिट तो जानते ही हैं ठीक ठाक होता है इसमें,
क्योंकि ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है UR के लिए 1800x22 45 तक, SC ST 47 तक भर सकते हैं। बाकी PWD इसमें नहीं अलाउ होता है, PWD के लिए LP पोस्ट एलिजिबल नहीं है। बाकी आपका सारा डिटेल देखी हुई है। तो चलिए, वेस्टर्न रेलवे के लिए एक अच्छा न्यूज है। हालांकि लेवल वन का इससे बेनिफिट क्या होगा, सिलेबस भी पार्ट ए पार्ट बी जो ओपन मार्केट का सिलेबस है, सेम के सेम GDC का यहाँ सिलेबस है, कोई अंदर नहीं है। जो आप ओपन मार्केट के एग्ज़ाम देते हैं वही है। तो जो लोग LP की तैयारी कर रहे थे, LP में पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार लेवल वन में हो गया है, तो आप इसको अप्लाई कीजिए और आपके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा। तो आपका एक हो सकता है, अब वो 1.5 साल वाला 2 साल वाला जॉब वाला एरिया भी लगभग क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतने टाइम हो गए वैकेंसी की। जो लोग 22 से ज्वाइन कर रहे हैं, 23 में किए होंगे, तो उनके लिए एलिजिबल होगा। तो इसमें लेवल वन का बेनिफिट दो तरीके से हो रहा है। एक तो जो लोग लेवल वन में ज्वाइन कर लिए, LP की उनकी सपना थी, वो भी इधर से आ सकते हैं। और दूसरा, उनका जो लेवल वन में ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तो हो सकता है LP की ये पोस्ट जल्दी हो जाए, तो कुछ पोस्ट खाली होगा, तो उनके लिए आगे ज्वाइनिंग और सेकंड DP की हुबली में बात हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।